हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन्माष्टमी 2023 में कब है, 6 या 7 सितंबर को, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का समय और रोहिणी नक्षत्र का समय। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव के रूप में यह पर्व देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कृष्ण जन्मोत्सव के दिन लोग व्रत करते हैं और रात में 12 बजे कृष्ण के जन्म के बाद भगवान की पूजा करके व्रत का पालन करते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल स्वरूप की पूजा की जाती है। मान्यता है इस व्रत को करने से भगवान श्री कृष्ण सभी मुरादें पूरी करते हैं। माताएं संतान कामना के साथ यह व्रत करती हैं। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के लिए कई तरह के भोज्य पदार्थ अर्पित किए जाते हैं। उन्हें झूला झुलाया जाता है, सुंदर सुंदर पकवान बनाए जाते हैं, उन्हें भोग अर्पित किया जाता है। चलिए जानते हैं साल 2023 में कृष्ण जन्माष्टमी कब है। भाद्रपद के कृष्ण पक्ष जन्माष्टमी तिथि 6 सितंबर 2023 को रात 7:59 पर प्रारंभ होगी और समापन 7 सितंबर 2023 को रात 7:52 पर होगा। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण का जन्म रात 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में हुआ था। इस मान्यता के अनुसार गृहस्थ 6 सितंबर को जन्मोत्सव मनाएंगे। इस दिन रोहिणी नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। वहीं वैष्णव संप्रदाय में श्री कृष्ण की पूजा का अलग विधान है। ऐसे में वैष्णव संप्रदाय 7 सितंबर को जन्माष्टमी का उत्सव मनाएंगे। रोहिणी, आइए जानते हैं रोहिणी नक्षत्र कब से प्रारंभ है। रोहिणी नक्षत्र 6 सितंबर 2023 को दिन में 2:40 से प्रारंभ हो रहा है और 7 सितंबर 2023 को दिन में 3:07 पर इसका समापन होगा। श्री कृष्ण की पूजा का समय क्या है? मध्य रात 12:02 से 12:48 तक। पूजा अवधि 46 मिनट है। व्रत पारण का समय 7 सितंबर 2023 को सुबह पारण कर सकते हैं। श्री कृष्ण की पूजा विधि, जन्माष्टमी के दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवताओं को नमस्कार करें, व्रत का संकल्प लें। भगवान कृष्ण का जन्म रात में 12 बजे हुआ था, इसलिए रात 12 बजे से पहले पूजा स्थल पर बैठ जाएं, पूरी तैयारी कर लें। भगवान श्री कृष्ण को दूध एवं गंगा जल से स्नान कराएं, नए वस्त्र पहनाएं, विधिवत श्रृंगार करें। तत्पश्चात फल मिष्ठान मेवा इत्यादि भगवान को अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य आज सब अर्पित करें। विधिवत आनंद पूर्वक हर्षोल्लास के साथ भगवान की आरती करें, भगवान का भजन कीर्तन करें, तत्पश्चात प्रसाद वितरण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।